Welcome back. Unfortunately, in the last video, there was some technical glitch and we could not complete the topic. Anyways, so we were trying to find out the equation for frequency, which we consider as, let's say, 2 pi f is equals to omega, and from velocity is equals to r omega, all we are doing to find out the frequency of revolution of electron in an orbit. Then from here, what we did was that we can simply put v is equals to r into 2 pi f, or I can simply say that the frequency f is equals to velocity upon 2 pi r. And as I told you, that velocity can be written as e upon under root of 4 pi epsilon naught mr. The same we used here, we wrote it as 2 pi r under root of 4 pi epsilon naught mr and e right over there. Fine. Now this r can get inside, can go inside it. So it will become e upon 2 pi under root of 4 pi epsilon naught mr. स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा आर क्यूब. देन व्हाट आई टोल्ड यू वाज टू यूज इक्वेशन ऑफ आर. यहीं पर हम अटके थे, यहीं हमारी वीडियो पॉज हो गई थी, विच इज गिवन बाय आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर. सो दिस वी आर गोइंग टू यूज. सो आर एन इज इक्वल्स टू n square h square epsilon naught upon pi m e square. Okay, if you will put this inside this formula, you will get f is equals to e upon 2 pi as it is under root of 4 pi epsilon naught as it is. Is r ka cube chahiye, r n cube chahiye if we are in nth orbital. So, क्यूब करने का मतलब हुआ एन की पावर 6, एच की पावर 6, एप्सिलॉन नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय पाई क्यूब एम क्यूब ई की पावर 6. डन. सो द फ्रीक्वेंसी एफ विल बी ई अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ. सो लेट अस सी व्हाट इट विल बी. इट सीम्स एज इफ इट इज 4 n raised to the power 6, h raised to the power 6, epsilon cube है और एक epsilon है, तो ये हो जाएगा epsilon की power 4, pi से एक pi cancel तो नीचे बचेगा pi square, then you will have m. अब देखिए यहाँ हमने एक m miss कर दिया, and m was also there, क्योंकि 4 pi epsilon m है ना, तो एक m was also there. तो बचेगा नीचे केवल एम स्क्वायर. ठीक है, इफ यू विल फर्दर सॉल्व इट यू विल गेट एफ इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2 पाई. और अगर इन सारी चीजों को आप रूट के बाहर ले आए, स्क्वायर रूट के बाहर ले आए, इट वुड बी 2 एन क्यूब एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन पाई इंटू एम. एंड ये e की पावर 6 भी तो हम भूल गए, दिस विल बी e की पावर 6, तो बचेगा e की पावर 3. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth orbital, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन nth orbital विल बी गिवन बाय e रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई एच क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. Then we have m also. This is m, which should go up. Pi se pi cancel ho jayega, isliye we will not have any pi now. Also n cube. Done. So this is the equation for frequency of revolution of electron in nth orbit given by e raised to the power 4 into m upon 4 h cube epsilon naught square.
इनटू वन अपॉन एन क्यूब. तो ये जो टर्म है इसे यू कैन रिलेट विद द इक्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने थोड़ी दिन पहले कैलकुलेट की थी अगर आपको याद हो, दैट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनर्थ ऑर्बिटल इज गिवन बाय एम ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. तो यहाँ से कुछ इक्वेशंस मिल सकती हैं. सो अगर मैं एफ एन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड दे दूँ, सो दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 2 अपॉन एन क्यूब, ये 8 हो गया. तो अब यहाँ से अगर एक एच हटा दें तो हम यहाँ एम ई की पावर 4, 8 एच स्क्वायर है, एक एच एक्स्ट्रा है. तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्थ ऑर्बिटल हुई वो ही ई 1, अगर मैं इसको ई 1 बोलूँ क्योंकि यहाँ तो एन है ही नहीं, फर्स्ट ऑर्बिटल अपॉन एच 2 अपॉन एन क्यूब. तो ये इक्वेशन हुई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिटल. ठीक है,